जिला मुरादाबाद, ग्राम महमूदपुर। महमूदपुर में एक नेता जी रहते हैं जिनका नाम है नेता बलिराम। नेता बलिराम, नेता बलिराम जी आ रहे। क्या बोला तुमने? नेता बलराम अमर रहे। हम मर चुके हैं तेरी निगाह में, जो कि अमर रहे का नारा लगा रहा है। हमका एक ना दिन जरूर मर जाए। खरोश नारा लगा दे यहाँ पर सुन ले। बदतमीज कहीं का, तुम्हारा ऐसी गलती मत करना। ना हो मर जाओ। हाथ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों एक जमींदार की हैसियत से है, और हम सब इस चौकी पर है दोस्तों एक चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप साहब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं हो। लेकिन दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता हो। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। जिला मुरादाबाद, ग्राम महबूब नगर का रहने वाला हूं। साथियों, एक मेरी बहन है, एक मेरी बहन है जो कि मुझसे छोटी है, जिसका नाम है मनीषा देवी। दोस्तों, हम उन नेताओं में नेता नहीं हैं, आम नेताओं की तरह हम नेता कुछ दूसरे किस्म के हैं। साथियों, मैंने इतना आतंक मचा दिया अपने इलाके में, इतना आतंक मचा दिया कि वो मेरी बहन मनीषा बिल्कुल ऊब गई मेरे कारनामे को देख करके, और मुझे समझाती रही कि भैया ऐसा गंदा काम मत करो। लेकिन दोस्तों, मैं आदत से मजबूर था, मैं अपनी हरकत से बाज नहीं आया। अचानक एक दिन मेरी बहन ने मुझसे बताया और वो मेरा घर छोड़ करके भाग निकली। साथियों, मैंने उसका बहुत पता लगाया, बहुत उसे खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तनहा हो गया, अकेला हो गया, अकेले घर में जी उबता था। दोस्तों, इसी मुरादाबाद शहर में, इसी मुरादाबाद शहर में एक तवायफ रहती थी। मैं उसके पास पहुंचा और उसी से प्रेम कर लिया।
है, मोहब्बत है। और हम दोनों का काम क्या है दोस्तों? हम दोनों का काम यह है कि बड़े बड़े लोगों को फंसाता हूं, धर्मान लोगों को अपने अंडर में करता हूं और उसी तबाइफ के कोठे पर जाता हूं जिसका नाम ममता है, और उसके पास जाता हूं, उसे उसकी दुल्हन बना करके उसके घर भेजता हूं और उसके परिवार को बर्बाद कर देता हूं। और जब दौलत हासिल हो जाती थी तो हम दोनों वहां से चले आते थे। हम दोनों का यही धंधा है दोस्तों। इसी शहर में, इसी महबूब नगर में मेरा एक दोस्त रहता है, मेरा एक दोस्त रहता है जो कि मेरा जिगरी दोस्त है। जिगरी दोस्त, जब तक कि हम एक दूसरे को देखते नहीं है, दिल को करार नहीं मिलता, तसल्ली नहीं मिलती। आज हम सोचते हैं कि चलते हैं अपने दोस्त मनमोहन के पास और उनसे कुछ अपने दिल की बात कहो। राम शरण जी, मैं चलता हूं उसके पास। चलोगे आप? चल रहे हैं? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। साथियों, मेरा नाम मनमोहन है, मैं महबूब नगर का रहने वाला हूं। हमारी धर्म पत्नी है जिनका नाम मालती है, भाई है जिसका नाम मुकेश कुमार है, बेटा मोहित, और एक बेटी जिसका नाम मोहिनी है। ये रहा परिवार का परिचय। दोस्तों, हमारे एक बचपन के दोस्त हैं जिसका नाम नेता बलीराम जी है। कई महीनों से मुलाकात नहीं हुई, आज फोन भी आया था कि यार किसी दिन मुलाकात होगी, ये नहीं कन्फर्म है कब आएंगे वो। हालांकि हमारा एक नौकर है रहमान अली जिससे मुलाकात करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। हम तो उसे पहाड़ा पूछा था ही। अबे 9 सत्य 63 ही होता है। नहीं भैया, जवान मिले बात करा जा था। मिलने के बाद तो 9 सत्य नहीं बल्कि नमस्ते किया जाता है। नमस्ते, आओ बताओ, अच्छा बच्चा है? तोहरे के बच्चा है का बताओ? हम तोहरे तबीयत के विषय में पूछा था, तू हमारा पूछा था। अबे सब अच्छा है? हाँ, ये तो कहा था ही। सब ठीक ठाक है, अपना सुनो। पहले से आराम बा। सुन लिया हो छोटू लाल, अगर ऐसे ही आराम मिलता है तो हमें बड़ी खुशी की बात है। दवा करने की क्या जरूरत है? अबे तू ये कहना चाहता कि पहले से ठीक ठाक हूँ? हाँ, 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 हाँ। पहले से आराम बा, क्या बात है भैया? यार आज हमारे दोस्त नेता बलीराम जी शायद आए। तू उनकर बात बतावा थे हमसे, लेकिन उनका आज तक हमसे मिलवाया ना, कैसे हैं हाँ वो? हाँ, ये बात तुमने बिल्कुल सही कहा कि बहुत तारीफ और कबूल। क्या से मैंने तुमसे उनसे मुलाकात नहीं करवाया है? हाँ, हम चाहते हैं साथी कि चलते हैं, बैठकर उनका इंतजार कर सकते हैं, हो सकता है आज आज आज। और क्या, हम बहुत थक गए। अबे थक गए तो आराम कर लेना, आराम कर चल। तू भाई क्या, हम आराम के लिए आ तो गया हो, लेकिन कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। आवाज देता हो, अगर मनमोहन होगा या और कोई परिवार का होगा
तो बाहर जरूर निकल गया। कोई है इस मकान में? रहमान अली भैया, देखो शायद कोई आया है। मैंने कहा कोई इस मकान में है? अबे कोई बाहर आया है? बाहर कौन है? ममता आए हो? अरे कोई है भाई? मैं कुत्ता हो गया सारे, तू कर रहा है। अपने से बड़ों से क्या कहा जाता है? आप नेता आपा। आपा क्या है बे? वो घंटा मारेगा दिमाग खराब हो जाएगा। आपा आपा क्या है? आपा आपा साले बहन को कहा जाता है, कभी ना साले। आपा आ गए, दिमाग खराब हो गया क्या थे? मैं कह रहा हूं चुप। ये बताओ मनमोहन भाई है या नहीं? मनमोहन है या नहीं? मैं उसे मिलना चाहता हूँ। मिल गया? हाँ। पूछ के बताई। जाओ जाओ। ए भैया वो आए हैं। क्या नाम आपका? हाँ बल्ली राम आए हैं। हाँ आए हैं आए हैं। अबे नेता बली राम होंगे। हाँ आया। लेके आयो। ए भैया कहन जा उनका लेक तो बाबा। क्या कहा? कहन उनका साथे लेक तो बाबा। हाँ तो ऐसा क्यों नहीं कहता? चलो चलो हम चलते। हाँ कहन उनका अंदर कह दिया। इसका मतलब? घरे में कहन उनका घुसेर दिया। क्या मैं अंधा हूँ भी जा नहीं सकता हूँ? चलो हम चलते हैं। नहीं सिर्फ बात हम जाते हैं थोड़े बड़े चाय नाश्ता भी आवे। ठीक है जाओ। तो का अंदर का एक तो जाओ। रहने तो मैं खुद चला जाऊँ। अंदर हो जाओ। हाँ जाओ बेटा। तो कहाँ बात जाता? अच्छा आराम से खुद ही अंदर हो जाओ तुम। बहुत बोलते हो बेटा। नमस्कार नमस्कार दोस्त। क्या हमसे मिला होते ना? ना मिला ही है। हाँ बड़े लोगों से हाथ छोटे लोग नहीं मिलाते। अबे बड़े लोगों से दोस्त तो ये कैसा आदमी है? तो कुछ सेवा पानी अंकर कह दिया जाए भाई। एक सेकंड एक सेकंड। ये हमारा नौकर है। हाँ दरअसल बात ऐसी है कि ये हमारे यहाँ बचपन से ही रहता है। समझते? हाँ हमने आपको पहली बार देखा है। पहली बार कह रहा है, कॉमेडी टाइप का लड़का है, घबराने की बात नहीं है। अरे जा इनके लिए कुछ पानी होनी लेके आ जा। हाँ पानी। ते नेताजी आप कुछ मोटा आइटम लेंगे? अच्छा जाओ। अरे कुछ खाए पीला का है? कुछ खाने की जरूरत नहीं। अरे हम कहते लीकम पीबे। इसका मतलब क्या होता है? ना जनता करिया करिया था ना, बड़ा कांच के बोतल में आवा था। आए हुए मेहमान से ऐसी बात नहीं करते। उसे लिमका कहा जाता है, लीकम नहीं। अच्छा लिमका नुस्कान करा थोड़ी। कुछ और पूछ ले। अच्छा इनका पेप्सिन कौन आइटम पिया ही? का पिया ही? मेरा अंडा पीबे? अगर नाम नहीं आता तो बेटा बोला मत करो। कहे यार? अरे मेरा अंडा नहीं, मिरांडा कहते हैं उसे। अभी मिरांडा? हाँ हम तो कहें मिरांडा। इंग्लिश थोड़ा फास्ट यहाँ हमारे। अब तो इंग्लिश धाई देना है मार जिया भाई। है नेता? अच्छा नेता है। अच्छा करा नेता जी तू रहा थोड़े पर हमें ढोकहा ले गया। हाँ 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 ढोकहा नहीं ढोका कहते हैं उसे। हाँ गुड़ की, गुड़ की भेली। हाँ जा लेके आ जा नेता जी, पर लिया होता ही भेली। यार बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुई है। हाँ दोस्त हमें पूछना चाहेंगे कैसे आना हुआ? आने का बहुत जरूरी काम था भाई, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मर बहुत दोस्त एक बात कहो, आप नाराज तो नहीं होंगे? अरे यार तुम्हारी बात से हम भला क्यों नाराज होंगे?
दोस्त ऐसा है, कल जेल भरो आंदोलन है। हम सोचते हैं, हाँ जेल भरो आंदोलन है। हम सोचते हैं कि तुम जेल भरो आंदोलन में चले जाओ और हम बहुत जल्द तुम्हें छुड़ा लेंगे। कुछ राजनीति की बातें सीखो, जिस तरह से मैं कर रहा हूं इसी तरह से तुम्हें भी, मैं सोचता हूं कि मेरी तरह तुम भी राजनीति करो। यार दोस्त, अगर दोस्ती दोस्ती तक ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। पहली बात, मैं एक सीधा साधा किसान आदमी हूं, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता। क्योंकि तुम जानते हो मैं बचपन से लेकर आज तक कभी राजनीति की बात नहीं किया है और न ही राजनीति में मैं आना चाहता हूँ। मनोहर भाई, हमारा दोस्त राजनीति कर रहा है, इतना का कम है? मनमोहन भाई, हाँ तुम मेरे दोस्त हो जी, इसीलिए मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ कि राजनीति में बहुत मजा है, बहुत मजा आता है। क्या समझा? रामशरण इधर, वहां की खड़ा होकर क्या कर रहा है? बताना चाहिए ना, ये बतीवा सुनाता ही हम, बतीवा नहीं जा रही, ये बात सुन रहे हो। हाँ? एक बार बताओ, ये कहते हैं चलो राजनीति में आ जाओ। हाँ? राजनीति में मैं कभी आया हूँ यार? भैया किसान आदमी राजनीति का ये खराब का? नहीं नहीं, मेरे बस का नहीं है नेताजी, क्षमा करिएगा, कोई और बात बताओ यार। और कोनो बात बतावा? मैं तो तुम पर भरोसा करके आया था कि वो मेरा जिगरी दोस्त है, बचपन का मित्र है, मेरी बात को मानेगा। तुम यार मेरी बात को इनकार कर रहे हो, सिर्फ एक दिन के लिए चले जाओ, परसों होली का त्योहार है, हम तुम्हें बहुत जल्द छुड़ा लेंगे, होली पर अपने घर आ जाओगे। यार मुझे जाने का कोई डर नहीं, हम अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकते हैं, क्यों नहीं, क्यों हमारी नहीं? दोस्ती का एक मिसाल है। बात रही इसकी कि मैं राजनीति में आऊं, ये चीज मुझे नहीं पसंद है। अरे यार एक बार राजनीति में जा, देख राजनीति देखो तो, राजनीति होती क्या चीज है? कोई हमेशा से राजनीति नहीं करता है नेताजी। क्या है? परसों होली त्योहार। हाँ हाँ समझते हैं, तो कैसे हो? तुम पागल हो, नहीं समझ भाई, अगर मैं जेल चला गया मौके पर, सिर्फ 24 घंटे के लिए चले जाओ, मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ हाँ सुनो। और ये जेल में चिल्ता करना नहीं दोस्त मन, जेल में चिल्ता मन, 24 घंटे के अंदर छुड़ा लाऊंगा मैं जेल से छूट कर। और ये आए त्योहार पर साथ में दोनों होली मनाएंगे हम। दोस्त सिर्फ 24 घंटे के लिए चले जाओ, हम 24 घंटे के अंदर तुम्हें छुड़ा लाएंगे। जेल में जाने से जाने पर वहां पर चिंता मत करना, परसों होली का त्योहार है, हम होली के त्योहार पर तुम्हें जरूर छुड़ा लाएंगे। अगर ऐसी बात है नेताजी, ये मेरा वादा है, तुम पर मैं भरोसा भी करता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं? रही बात 24 घंटे की, तो हमारी बात सुनो। हाँ बोलो, कहना क्या है? से जाओ तुम नेताजी अपने घर, साथ से जेल जाने तो सुनिए, मैं तैयार हूं दादी दोस्ती अपनी। अरे करना नहीं तैयार हूँ।
24 घंटे की बात है, हम जरूर जाएंगे जेल। ठीक है, तुम्हारी बात है, दिल में चिंता ना करो, तुम शौक से अपने घर जाओ, बाकी हम जाने की तैयारी करें। अरे यार दोस्त, चिंता करने की बात है, कहने का मतलब दोस्त का मतलब क्या होता है, जिस जगह पर दोस्त का पसीना गिरे वहां पर अपना खूब वहां देना चाहिए। ये बात तुमने बिल्कुल सही कहा है। तो ठीक है, हम चलते हैं और हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। अरे यार कैसी बात करते, बस इतना काम करना कि हमारी दोस्ती पर कहीं किसी चीज का किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं आनी चाहिए। कोई फर्क नहीं होगा भाई साहब। हाँ, हम उस तरह से दोस्ती करते हैं कि दोस्त का गला नहीं काटते हैं बल्कि उसे अपने से ज्यादा मानते हैं। यह बात तुमने सही कहा। तो ठीक है, ठीक है, तुम जाओ, हम जाकर के अपने पत्नी से मशवरा करेंगे। अच्छी बात, ठीक है, जाओ। यार हमारा तो भी भाई मानी उमर पुडीवा।